वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था वाटर रिसोर्सेज। और इस चैप्टर के जो हमने वीडियो लेक्चर्स देखे पीछे है ना, जितने भी पीछे तो वीडियो लेक्चर्स हुए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एक्चुअली रिसोर्स क्या है और वाटर को क्यों रिसोर्स कहते हैं। इसके बाद हमने वाटर का जो है क्लासिफिकेशन देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कैसे वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट है ऑल ओवर अर्थ पर। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमने एक बात ऑब्जर्व की थी कि वाटर जो है देयर इज लेस वाटर अवेलेबल ऑन ओवर अर्थ, पानी जो है बहुत ही कम अवेलेबल है हमारे अर्थ पर। तो यहाँ पर जो वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने जो है उस प्रॉब्लम के साथ साथ हमने देखा कि जो कंटिन्यू हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन देखी जाए या वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो इंक्रीज होती जा रही है। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो वाटर है वो इतना अवेलेबल नहीं है, है ना। अकॉर्डिंग टू डिमांड हमारे पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो है हमारी गवर्नमेंट ने उस वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। इसमें सबसे फर्स्ट जो प्रोग्राम चलाया हमारी गवर्नमेंट ने वो था है ना मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। अब बात आती है कि मल्टीपर्पज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जो रिवर वैली पर स्टेबलाइज हो और उस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट के बहुत सारे पर्पज़ जो है वो फुलफिल होते हो। लाइक इज फर्स्ट पर्पज गवर्नमेंट का देखा था हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सेकंड एजुकेशन के लिए वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एंड फोर्थ देखा वहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और उसके साथ साथ जब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ऑब्वियसली स्टार्ट होगी। क्लियर, ये यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स देखे है ना, वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेथड देखे कि हम कैसे जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। उनके ट्रेडिशनल फॉर्म्स देखे, वाटर कंजर्वेशन के ट्रेडिशनल फॉर्म्स देखे थे हमने। अब हम बात करेंगे आज वाटर सेल्फ रिलायंस के बारे में, है ना। वाटर सेल्फ रिलायंस के बारे में, जल स्वावलंबन के बारे में, तो देखें एट प्रेजेंट ड्यू टू डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर एंड वर्स्ट कंडीशन ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ वाटर एट लोकल लेवल विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिल्ट इन डैम्स एंड ऑल्सो ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल एडवर्स कंडीशन ऑफ वाटर क्राइसिस आर क्रॉपिंग अप। तो एट प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमारा जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसका लेवल जो है कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, है ना। और उसके उसके कारण हमारी जो कंडीशंस जो है और जो वाटर के जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं लाइक इज पॉन्ड, लेक्स, है ना, कुआ, है ना, वेल्स हो गए, स्टैपवेल्स हो गई, बावरी हो गई, तो उनकी जो कंडीशंस है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है एट लोकल लेवल विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिल्ट इन डैम्स। और के साथ साथ क्या रहा है, हमारे जो डैम्स है, हमारे जो सोर्सेज जो है वाटर रिसोर्सेज जो है उनका जो लेवल है, उनका जो बेस जो है उसमें जो सिल्ट जो है उसका लेवल क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली जो रेनफॉल होती है, तब रेन जो है रेनफॉल जब होती है तो वो जो फ्लोइंग वाटर अपने साथ क्या करता है, सॉइल एरोजन करके सॉइल को अपने साथ लेकर आता है और सॉइल का क्या करता है, डिपोजिशन करता है। और जब डिपोजिशन होगा सॉइल का तो उस सोर्स का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर सोर्सेज का जो लेवल है लाइक इस पॉन्ड, लेक, उनका जो वाटर लेवल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऑब्वियसली कम होगा, है ना। एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल, और हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम होती है, तो एडवर्स कंडीशन ऑफ वाटर क्राइसिस आर क्रॉपिंग अस। इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण हमारे यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, सबसे बड़ी कंडीशन जनरेट हो रही है, दैट वाज वाटर क्राइसिस, है ना, वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है ना। तो देखिए द प्रॉब्लम्स इज गेटिंग मोर सीरियस, इनके कारण जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वाटर क्राइसिस की, वाटर स्कैसिटी की, इज गेटिंग मोर सीरियस ओनिंग टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर बाय द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब वाटर तो हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम हो रही है, लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, बट उसके साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो कंटिन्यू, वो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी जो ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम पूरी पॉपुलेशन की जो है उस लिमिटेड वाटर से जो है उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। फॉर दिस रीजन जल क्रांति अभियान है ना, वाटर रिवोल्यूशन मिशन एंड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रेस्पेक्टिवली। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो प्रोग्राम था जल क्रांति अभियान, वाटर रिवोल्यूशन मिशन, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, चीफ मिनिस्टर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। क्लियर, ये दो प्रोग्राम जो है हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। फिर देखिए आगे The proper management of water, the proper management of water at the local level is the main aim behind the initiation of this program. ये जो programs start किए हमारी government ने, ये programs जो launch किए इनके पीछे सबसे main motto क्या है, इनको start करने का main aim क्या है ना। तो उनका जो target अगर देखा जाए तो target है
the program has started by the government. The proper management of water at local level is the main aim behind the initiation of this program. In programs ko start karne ka sabse main aim dekha jaye to kya hai, proper management of water at local level. Yani jo local level hai, chahe wo dhani ho, gaon ho, village ho, un level par kya karna, water ka proper way se management karna. यही जो है इसका टारगेट है, यही इसका एम होता है इन प्रोग्राम्स को चलाने का, है ना. देखिए, जनरली द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज बीन अडॉप्टेड. देखो जनरली जो है वाटर मैनेजमेंट का, जो इसको मैनेजमेंट करने का, वाटर को मैनेज करने का और उसको कंजर्व करने के जो मेथड जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं. ऑब्वियसली होता है ट्रेडिशनली इन वेरियस फॉर्म्स इज नाडीज, पॉन्ड्स, वेल्स, बावरीज एंड बेरीज एक्सेट्रा इन एवरी विलेज एंड टाउन. जनरली अगर देखा जाए द मैनेजमेंट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज बीन अडॉप्टेड. वाटर को कंजर्व करने का, उसको मैनेज करने का जो मेथड्स है दे आर अडॉप्टेड ट्रेडिशनली, उनको अडॉप्ट किया जाता है. ट्रेडिशनली अडॉप्ट हो रहे हैं किस फॉर्म में, इन वेरियस फॉर्म्स लाइक इज नाडीज, है ना. वेरियस फॉर्म्स है हमारे पास, लाइक इज नाडी है, पॉन्ड है, वेल्स है, बावरी है, बेरीज है. ये सभी सोर्सेज हमने देखे और इन सोर्सेज के रूप में हमारे जो विलेजर्स जो है, लोकल पीपल जो है, वाटर को क्या कर रही है, ट्रेडिशनल हमारा जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वाटर को कंजर्व करने का. These water resources were the remarkable examples of management and conservation of water at the local level in the ancient times and had provided water for a long time at the local level. ये जो water resources हैं, water resources जो है ये हमने देखे अभी, were the remarkable example of management. ये example है ना, ये बहुत ही बड़े example हैं water management के and conservation और water conservation के at the local level in ancient time. इन्हें पुराने समय से चले आ रहे हैं, local level पे ये sources जो है use हो रहे हैं और इनके through वहाँ के जो citizens है, वहाँ के जो population जो है, वो वहाँ के जो लोग हैं, है ना, नाड़ी, तालाब, इनके through क्या कर रहे हैं, water को conserve और manage भी कर रहे हैं. क्लियर. एंड हैड प्रोवाइडेड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द लोकल लेवल. इसके साथ साथ इन सोर्सेज जो, ये सोर्सेज हमने देखे, ये जो सोर्सेज है ये लॉन्ग टाइम से जो है वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए वाटर अवेलेबल करवा रहे हैं. क्लियर. द वेल ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट. और यही सारी वेल जो मैनेज्ड हमारी टेक्निक्स हैं वाटर मैनेजमेंट की, दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ, है ना, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसके लिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट. इन सारे सोर्सेज में वाटर कंजर्व करने के लिए, करने से, वाटर को मैनेज करने के कारण आज हमारे जो वेस्टर्न राजस्थान है जहाँ पर, है ना, वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है, जनरेट हो जाती है. तो उन सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो है, उन सारी सिचुएशन के दौरान भी जो है ये सोर्सेज हमें क्या करते हैं, वाटर अवेलेबल कराते हैं. बट द लेसर यूटिलिटी ऑफ दिस सोर्सेज इट प्रेजेंट एंड ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देयर कंडीशन हैव डिट्रॉयटेड. देखो लेकिन इनका धीरे धीरे जो है यूज लोग कम कर रहे हैं, बहुत कम इनका यूज करते हैं. आप भी शायद आपने भी देखा होगा कि आजकल बहुत सारे गांवों में जो है ऐसे कुएं हैं, बावरियां हैं, ऐसे ही पड़ी रहती है. इनका यूज जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. तो बट द लेजर यूटिलिटी ऑफ दिस सोर्सेज इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उनका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, सही तरीके से उनकी जो है देखभाल नहीं हो रही है, देयर कंडीशंस हैव डिट्रॉयटेड, उनकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बिल्कुल खराब होती जा रही है, बिल्कुल कंडीशन जो है उनकी बिगड़ती जा रही है. वाटर सेल्फ रिलायंस हैज बिकम एसेंशियल फॉर द सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस इमर्जिंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर. और वाटर सेल्फ रिलायंस जो प्रोग्राम्स है ये क्यों स्टार्ट कर गए, दैट हैज बिकम एसेंशियल, इनको एसेंशियल किया गया किस लिए, फॉर द सॉल्विंग ऑफ द वाटर क्राइसिस इमर्जिंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर. वाटर शॉर्टेज के कारण जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम हो रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, विच इंक्लूड्स द सेविंग ऑफ वाटर एट लेवल, लोकल लेवल. अभी जो प्रोग्राम्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द सेविंग ऑफ वाटर एट लोकल लेवल. इसमें क्या करना है आपको, लोकल लेवल पर वाटर को स्टोरेज करने के जो है प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, है ना. और क्या किया गया, टू सिस्टमाइज द यूज ऑफ वाटर, वाटर का यूज जो है एक सिस्टमेटिक वे से किया जाए उसका भी जो है इसका प्रावधान किया गया है. एंड टू प्रिजर्व एंड मैनेज द रेन वाटर प्रॉपरली. और इसके साथ साथ इन सोर्स ये जो प्रोग्राम चलाए गए इसमें क्या किया है, टू वाटर जो रेन वाटर जो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है उसको क्या करना, प्रिजर्व करना और सही तरीके से मैनेज करने का जो प्रोग्राम है, प्लान जो है इन प्रोग्राम्स के थ्रू स्टेबलाइज किया है. दिस ट्रेडिशनल सोर्सेज शुड बी रीडेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस लोकली. और ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, इन प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एम है कि हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनको क्या करना, रीडेवलप करना. एक्चुअली उनकी कंडीशन जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, हमने देखा देयर कंडीशन वाज डिट्रॉयटेड, है ना. तो उनकी कंडीशन को हमें क्या करना है, रीडेवलप करना है, उनका सही तरीके से वापस जो है उनको सही तरीके से यूज लेना है, प्रॉपर वे से यूज लेना है. उनका जो वाटर हमें हमारे पास अवेलेबल होगा उसका यूज हमें कहाँ करना है, यूज फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पज लोकली. इरिगेशन और अदर जो पर्पज है हमारे उनमें उनका यूज लेना है.
एट द सेम टाइम द रेन वाटर एंड द ग्राउंड वाटर शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर दैट इट रिमेन अवेलेबल इन फ्यूचर एट द लोकल लेवल। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, रेन वाटर जो है और जो ग्राउंड वाटर जो भी हमारे पास अवेलेबल हो रहा है शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर, उनको कैसे तरीके से यूज करना है दैट इट रिमेन्स अवेलेबल इन फ्यूचर एट द लोकल लेवल, जो कि क्या हो एक ऐसे सस्टेनेबल वे से हमें जो है रेन वाटर को और ग्राउंड वाटर को एक सस्टेनेबल वे से यूज करना है, जिससे क्या हो सके हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन जो है, उनके लिए भी लोकल लेवल पर जो वाटर है वो अवेलेबल हो सके। क्लियर? तो यही जो प्रोग्राम है ये है हमारा जनक वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे चलाया जल क्रांति अभियान एंड स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसके तहत क्या होता है, जो वाटर के जो सोर्सेज है उन सोर्सेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ना, उनको रीडेवलप किया जाता है, उनमें लाइफ जो डाली जाती है, दैट मीन उसका यूज जो है सही तरीके से प्रॉपर वे से लोग वापस यूज कर सके, क्योंकि धीरे धीरे उनकी यूटिलिटी जो है क्या होती जा रही है, पानी के साथ साथ उनकी यूटिलिटी जो है वाटर सोर्सेज की लाइक नाडी तालाब कुआ बावड़ी इनकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसके लिए लोगों को क्या करना, लोगों को मोटिवेट करना है ना, वाटर को कंजर्व करने के जो वेज है तरीके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज लेना, यही इस प्रोग्राम का क्या होता है, इस प्रोग्राम का एम है। देखें ऐसा योजना जो है अभी हमने देखी कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, उसके बारे द टास्क इन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इज टू मेक वाटर कैचमेंट एरियाज सेल्फ रिलायंट बाय वाटर मैनेजमेंट ट्रीटिंग देम एज नेचुरल रिसोर्सेज एट रूरल लेवल बाय द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द फिलैंथ्रोपिस्ट्स है ना। हमें क्या करना है कि ये जो टास्क स्टार्ट कर रही है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान गवर्नमेंट में, इसका टारगेट है कि जो वाटर कैचमेंट एरिया जो है जहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है उसको क्या करना, सेल्फ रिलायंट बाय वाटर मैनेजमेंट ट्रीटिंग, उनको वाटर मैनेजमेंट की है ना मेथड से उसको क्या करना, वापस चार्ज करना, वहाँ से क्या है उन सोर्सेज में वाटर अवेलेबल हो सके है ना, इज अ नेचुरल रिसोर्सेज एट रूरल लेवल बाय द हेल्प ऑफ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे, वहाँ के जो बामासा जो है, वहाँ के जो मनी लैंडर्स है उनकी हेल्प से क्या करना, उन वाटर के जो सोर्सेज है, उन वाटर के जो कैचमेंट एरिया है उनको क्या करना, डेवलप करना, यही टारगेट है ना वाटर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का। आगे देखें, अंडर दिस योजना वर्क सच इज रेजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। अब इस प्लान के तहत क्या होता है, वर्क सच इज रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने का प्लान होता वर्क होता है एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स क्वालिटी, और उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करने के जो है एफर्ट इसमें होते हैं। बिसाइड्स रिजुविनेशन ऑफ वेल्स है ना, वेल्स पॉन्ड्स, नेक्स्ट देखें नाडीज एंड अदर वाटर रिसोर्सेज विच आर द वेज ऑफ एक्सटेंशन। देखो धीरे धीरे जो हमारे जो सोर्सेज हैं लाइक इज वे है ना, वेल्स है, नाडीज है ना, पॉन्ड्स है, इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वेज ऑफ एक्सटेंशन ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लोग इनका धीरे धीरे बहुत कम यूज दे रहे हैं, तो उनको क्या करना, रीडेवलप करना, उनको इट विल बी वेल डन, उसको सही तरीके से वाटर रिसोर्सेज का क्या करना, सही तरीके से यूज लेना, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना। द डिगिंग ऑफ नाडीज वेल्स एंड पॉन्ड्स एट द ब्लॉक लेवल एंड द रिपेयरिंग ऑफ देयर वॉल्स एंड द वर्क ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द वाटर रिसीविंग एरियाज बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द वाटर रिसीविंग एरियाज ऑफ दिस वाटर रिसोर्सेज आर टू बी डन। और इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे जो नाडीज है, जो वेल्स है, पॉन्ड्स है या जो अदर वाटर रिसोर्सेज है उनको क्या करना, ब्लॉक लेवल पर या लोकल लेवल पर ही उनको क्या करना, वी शुड हैव टू डिग देम, उनको डिगिंग कर ली, उनके अंदर जो सिल्ट कलेक्ट हो गया है, सिल्ट का जो डिपोजिशन हुआ है उसको बाहर निकालना, जिसके थ्रू क्या होगा, इन सोर्सेज का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा और जब रेनफॉल होगी तो इनका जो है वहाँ पर एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर स्टोरेज हो पाएगा। क्लियर? इसके साथ साथ द रिपेयरिंग ऑफ देयर वॉल्स, उनकी वॉल्स जो है उनको क्या करना, रिपेयर करना एंड बाय रिमूविंग है ना एंड द वर्क ऑफ रिपेयरिंग द वाटर रिसीविंग एरिया, और जो वाटर रिसीविंग एरिया है जहाँ से वाटर सोर्स में कलेक्ट होता है ना, आसपास का जो एरिया है जहाँ से वाटर कलेक्ट होता है उसको क्या करना, रिपेयर करना उसको है ना, उसके साथ साथ उस एरिया में अगर कोई ऑब्स्टेकल है उन ऑब्स्टेकल्स को क्या करना, वहाँ उन ऑब्स्टेकल्स को भी हटाना, ये सारा वर्क जो है इस प्रोग्राम के थ्रू होता है। इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओस, रिलीजियस ट्रस्ट, नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस एंड लोकल विलेजर्स द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट एरियाज विल बी मेड। और इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू जो एनजीओ होते हैं है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ मिलकर है ना, रिलीजियस ट्रस्ट के साथ मिलकर है ना, इंडियंस जो रूरल इंडियंस हैं उनके साथ मिलकर, लोकल विलेजर्स के साथ मिलकर हमें क्या करना है, वाटर को ट्रीट, वाटर कैचमेंट का जो एरिया है उसको ट्रीट करना है, वाटर कैचमेंट एरिया को क्लियर करना है, उनको जो है डिग करके उनको जो है गहरा करना है, उनको है उनकी जो वॉल्स है उसको सही तरीके से मैनेज करना है, वाटर कैचमेंट एरिया है ना, वाटर जहाँ से उस एरिया में कलेक्ट होता है उस एरिया के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको साफ करना है, ये सारे प्रोग्राम्स इस प्लान के थ्रू चलाए जाते हैं। देखें
कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप कंटिन्यूस कॉन्टोर ट्रेंचेज स्टेगर्ड फार्म पॉन्ड मिनी परकोल्यूशन टैंक्स संकन गली पिट खडीन जोहड़ एंड टाकाज विल ऑल्सो बी मेड। और इस प्लान के थ्रू क्या होता है, इस प्लान के थ्रू जो ट्रेंचेज है कॉन्टोर ट्रेंचेज जो बनाई जाती है ना, फार्म जो होते हैं उनमें पॉन्ड्स डेवलप किए जाते हैं ना, जिससे क्या हो सके वाटर जो है लोकल लेवल पर जो है फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबल हो सके। इसके साथ साथ मिनी परकोल्यूशन टैंक बनाए जाते हैं है ना, पिट बनाए जाते हैं, खडीन जो है जोहड़ है टाका है, ये सारे जो प्रोग्राम्स है ये सारे जो सोर्सेज है ये डेवलप किए जाते हैं। Small aquifers in the chain, road check dams and water storage structures, drain fixation works also be done undertaken in this works also to be undertaken in this program. इस programs के through क्या होता है, small aquifers बनाए जाते हैं chain में है ना, road check dams बनाए जाते हैं, water storage के जो कुछ structures बनाए जाते हैं, drain fixation के लिए ना work जो है इसमें किए जाते हैं। Besides all this repairing of minor irrigation tanks. Renewal and reinforcement works and connection of water resources to the rivers. इसके साथ साथ क्या होता है, जो repairing होती है, जो irrigation के जो tanks है उनकी repairing करवाई जाती है ना, उनके साथ साथ water के जो sources है उन sources को किसी बड़े बड़े source से connect किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वाटर अवेलेबल नहीं हो या वाटर जब उस सोर्स में खत्म हो जाए तो बड़े सोर्स से वहां पर वाटर को जो है अवेलेबल करवाता है, दैट मींस उसको कनेक्ट किया जाता है किसी अदर सोर्सेज से है ना, कनेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू द रेवेंस है ना, रेवेंस जो है बड़े सोर्सेज होते हैं उनसे कनेक्ट किया जाता है ना। और देखे और इसके साथ साथ क्या होता है, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन वर्क, रिफिलिंग ऑफ आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर एंड रिफिलिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रमोशन ऑफ एडवांस टेक्निक्स इन क्रॉपिंग एंड गार्डनिंग विल बी मेड। इसके साथ क्या होता है, जो ग्रासलैंड है उन एरिया को डेवलप किया जाता है, प्लांटेशन वर्क जो है उनको डेवलप किया जाता है, रिफिलिंग ऑफ आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर रिफिलिंग है ना, ग्राउंड वाटर रिफिलिंग। इसके साथ क्या होगा, ग्राउंड वाटर को रिफिल करने के लिए उसको चार्ज करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में जैसे प्लांट लगे होते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ की जो रूफ है मकान की जो छत है वहाँ से उसको सीधा अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्ट किया जाता है, टैंक बनाए जाते हैं, तो वो सारे वाटर स्टोरेज के प्रोग्राम्स होते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जल स्वावलंबन अभियान जो चलाया जाता है, इसके थ्रू गवर्नमेंट ऐसे वाटर स्ट्रक्चर्स या वाटर बॉडीज या वाटर सोर्सेज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिकल भी हेल्प भी करती है, उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है ना? देखें और इसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स जो है, एडवांस जो टेक्निक्स है गार्डनिंग में, क्रॉपिंग में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, उन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है और उन टेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए लोग गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी और कुछ बेनिफिशियल अमाउंट भी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा ड्रिप वाटर इरीगेशन फैसिलिटी है ना, ड्रॉप वाटर बिल्कुल बूंद बूंद से जो है सिंचाई होती है ना, इसके साथ शॉवर्स लगाए जाते हैं, इससे क्या होगा वाटर जो है उसको कम से कम तरीके से कम यूज ले सके वाटर है ना, उस वाटर को हम कंजर्व कर सके, स्टोर करके रखें। एट द सेम टाइम अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ नुक्कड़ नाटक। और इसके साथ साथ वाटर को स्टोरेज करने के लिए, वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए, वाटर का सही तरीके से यूज करने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नुक्कड़ नाटक। किसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक के द्वारा फेयर्स एंड रैलीज अमंगस्ट द रूरल पॉपुलेशन, किसके साथ रूरल पॉपुलेशन जो है उनके साथ नुक्कड़ नाटक होते हैं, कुछ फेयर हो सकते हैं, मेले हो सकते हैं, कुछ रैलीज जो है ऑर्गेनाइज की जा सकती है टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस। ये किस लिए कितने करते हैं, ये वाटर के जो सोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों तक बचाने के लिए, लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है उसके तहत किए जाते हैं। फिर तो आज जो है हमने देखा कि एक्चुअली जो वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जिसमें हमने जल क्रांति अभियान देखा और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान देखा। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज वो यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।